अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि जो गुण हैं इवैल्यूएशन के वो क्या क्या हैं। ये हैं गुण, ठीक है। इवैल्यूएशन के गुण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप क्लासरूम टीचिंग में या मैनेजमेंट के लिए या किसी भी रूप में यूज़ कर रहे हो, तो आपको पहले इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखनी है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कि ये नहीं उठाया और क्वेश्चनिंग करी, बात ख़त्म। और इवैल्यूएशन हो भी सकता है ना कि जो आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हो वो इवैल्यूएट हुआ ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो बच्चों को वो चीज़ समझ ही ना आ रही हो। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि इवैल्यूएशन में ये चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट है जिसके थ्रू मैं इस पॉइंट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बच्चों को इवैल्यूएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब किसी, मान लीजिए आपको फैक्टर्स के बारे में पूछना है, ठीक है। आप क्लासरूम में गए कि बच्चों को फैक्टर्स समझ आए या नहीं आए, और आपने पूछना स्टार्ट कर दिया, अच्छा बच्चों आपको टेबल आती है, अच्छा टू की टेबल आती है, बातों ही बातों में कि टू की टेबल आती है, चलो टू की टेबल सुनाओ। फिर पूछ लिया किसी से थ्री की टेबल सुनाओ, अच्छा मल्टीप्लिकेशन आती है, तो वहाँ पे फैक्टर का यूज़ ही नहीं हुआ, फैक्टर कहाँ आया वहाँ पे, तब तक आपका पीरियड ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप अगर फैक्टर के बारे में पूछना चाहते हो या कुछ, तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि टॉपिक क्या है और उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, या नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग कितनी होनी चाहिए, ताकि आपको अपना जो भी आप चीज़ें गेन करना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो बच्चों के थ्रू वो चीज़ पता चले, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या हैं हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। देखिए वैधता सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके साथ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सी टैट का, केवीएस का, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रश्न पत्र यानी कि जो एग्जामिनेशन टेस्ट या जो भी इवैल्यूएशन आप कर रहे हो, जो प्रश्न पत्र किसी टीचर के माध्यम से पूर्व ज्ञा मतलब पूर्व जो हमारे प्री सेट होते हैं, मतलब प्री सेट क्वेश्चंस होते हैं, पहले से आप प्री प्लान करते हो ना कि ये क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं, तो जो प्री क्वेश्चंस होते हैं आपके प्री सेट होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, तो वो वाले प्रश्न पत्र के अंदर यानी कि वो वाले एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में गेन करता है, ठीक है, हेल्प करता है, सॉरी। तो आप सोचेंगे अब कि वो क्वेश्चन वैलिड है, रिलायबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑब्जेक्टिविटी है, क्या है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उसमें से कोई आपको एक सेट करना है कि जो आपके प्री प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्वेश्चन पेपर के थ्रू अचीव करने में हेल्प कर रहा है, वो होता है आपका वैलिडिटी, यानी कि इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने हैं कि वैलिडिटी यानी कि वैधता वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले प्रश्न पत्र या वो वाला इवैल्यूएशन होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड सेट प्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मान लीजिए फैक्टर का ही ऑप्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपको फैक्टर्स के बारे में क्या है बच्चों से पता करना है, आपने फैक्टर का टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप जब बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे तो उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि बच्चे को फैक्टर्स करने आ जाएंगे, बच्चे फैक्टर्स का डिफरेंशिएट बता देंगे या बच्चे फैक्टर्स का यूज़ कर पाएंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर लिए। अब जब बच्चों को आपने इवैल्यूएशन किया और आपने ये चीज़ देखी कि हाँ बच्चों ने आपको अप्रोप्रिएट आंसर दिया है या फिर फैक्टर्स करके दिखा दिए या फैक्टर्स के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया, तो आपके वो जो प्री सेट ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए, तो आप क्या करोगे उस प्रश्न पत्र को यानी कि उस इवैल्यूएशन को वैलिड बोलोगे, वैलिडिटी होगी उसमें, मतलब
जिस क्वेश्चन पेपर में ये वाला गुण हो कि वो आपके प्री ऑब्जेक्टिव्स को सेट, मतलब जो आपके प्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे, तो वो होता है आपका वैलिडिटी, यानी कि उसके अंदर वैधता का गुण पाया जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। वो इवैल्यूएशन भी हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन टेस्ट भी हो सकता है, या आपका अचीवमेंट टेस्ट भी हो सकता है। ओके, तो याद रखना वैलिडिटी कौन से क्वेश्चन पत्र का वो गुण होता है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में, मतलब अचीव करने में हेल्प हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। अब रिलायबिलिटी क्या होती है कि रिलायबिलिटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपने आज जो पूछा है आज भी उसका आंसर सेम होगा, और अगर आप 10 साल बाद भी पूछते हो तब भी उसका आंसर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज पूछा, बच्चों से क्वेश्चन किया कि दिल वो कुतुब मीनार कहाँ है, तो आज ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका, दिल्ली होगा। और आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो क्या कुतुब मीनार शिफ्ट होके आगरा में तो नहीं चला जाएगा ना, लखनऊ में तो नहीं चला जाएगा, वो दिल्ली में ही रहेगा 10 साल बाद भी। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। तो 10 साल बाद भी आपको क्या मिला, सेम आंसर मिला। याद रखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिलायबिलिटी का गुण पाया जाता है कि उसमें कभी भी आप कोई भी आंसर कीजिए, कितने भी साल बाद, कितने भी महीनों बाद, आपको सेम आंसर ही मिलेगा, उसमें कोई आपको गड़बड़ घोटाला नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर रिलायबिलिटी का गुण यानी कि विश्वसनीयता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने पूछा बच्चे से कि कुतुब मीनार के बारे में चर्चा कीजिए या कुतुब मीनार के बारे में व्याख्या कीजिए, हो सकता है बच्चे ने आज जो जो बातें लिखी है और 10 साल बाद या 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप दोबारा यही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो बच्चे की शायद उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और बढ़ गई हो, बच्चे ने एक्स्ट्रा कहीं से सुन लिया हो, तो वहाँ पर क्या है कुछ और चेंज कर देगा, अपने शब्दों को मॉडिफाई कर देगा, अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर देगा। तो क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, पीछे कुछ और था, आप तब जब आपने टेस्ट किया तो बच्चे को 10 में से 5 नंबर दिए, आज जब आप सेम क्वेश्चन पे बच्चे के लिए टेस्ट कर रहे हो तो आप 10 में से 10 दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, फ़र्क देखने को मिल गया। तो यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में विश्वसनीयता का गुण नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि ऐसे टाइप में जो एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की चीज़ होती है, यानी कि आपकी थॉट्स होती हैं, वो चीज़ टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, और उसका एक ब्रॉड एरिया होता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको इतना ही आंसर देना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, आपको एक लिमिटेशन होती है कि आपको 4 ऑप्शंस में से ही एक सेलेक्ट करना है, तो अगर आप 10 साल बाद भी पूछेंगे तो वहाँ पे आपको सेम आंसर ही मिलेगा और मार्क्स भी सेम मिलेंगे। आज एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है तो कल भी 1 क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम हो गई। तो यानी कि जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का गुण मिले वहाँ पे क्या होता है कि आप में दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट देखने को नहीं मिलता है। तो वो गुण कौन सा हुआ, वो हो गया आपका रिलायबल यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्रता। ओके, क्वेश्चनिंग यानी कि समग्रता, देखिए इसका लिख देती हूँ, रिलायबिलिटी में क्या आना था, रिलायबिलिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं, नो डिफरेंस इन इवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्रता। समग्रता में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आप कोई भी पेपर सेट कर रहे हो या बच्चे के लिए इवैल्यूएशन प्रिपेयर कर रहे हो कि बच्चे को इवैल्यूएट करना है तो ये वाले पॉइंट से करना चाहिए या ये चीज़ें रखनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, कम से कम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखोगे, इतना उसका ब्रॉड एरिया रखोगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें अचीव हो जाए। अब ऐसे तो आप नहीं करोगे ना कि जो टॉपिक है आपका बुक के अंदर 2-3 पेजेस का है, या आपने भी पढ़ाया तो 2-3 क्लासेस में पढ़ाया, लेकिन आप जब इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपने बस बच्चों से 3 ही क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड आप बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, कि बच्चों को पॉल्यूशन का टॉपिक समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो पॉल्यूशन जब आपने पूरा पढ़ाया होगा
तो पॉल्यूशन में सब चीज़ें बच्चों को बताई होंगी कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया होगा, हमारे लिए कैसे बेनिफिट है, कैसे हार्मफुल है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ करना चाहिए, सब कुछ बताया होगा, राइट। लेकिन आप जब बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हो तो आपने 3 या 2 क्वेश्चन पूछ के ख़त्म किया कि बच्चे पॉल्यूशन क्या होता है, ओके एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, आपने ये पूछा, काम ख़त्म। तो क्या हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे इतना समग्रता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आया, कि जो आपने टॉपिक इतना बड़ा पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आए कि आप पूरे के पूरे टॉपिक को इवेल्युएट कर सको। आपने क्या किया, केवल 1 या 2 पॉइंट्स को इवेल्युएट कर लिया, बाकी तो ऐसे का ऐसे रह गया, क्या पता बच्चे को बाकी ना समझ आया हो। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग टेस्ट पेपर के अंदर या इवेल्युएशन में इतनी होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि उसके अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक कवर हो जाए, पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपको इवैल्यूएशन करने में हेल्प हो, ठीक है। इसके अंदर क्या आता था हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आता है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। अब आता है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी में क्या आता है आपका कि एक ही चीज़ का बच्चे, मतलब क्वेश्चन पेपर या आपका जब इवेल्युएशन करे तो आप बच्चों से अपनी लैंग्वेज या नंबर ऑफ क्वेश्चन या कोई भी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो इतनी स्पष्ट हो, मतलब इतनी क्लियर हो कि बच्चे सभी के सभी उसका सेम मीनिंग ही निकालें। अगर क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और आपके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो 20 के 20 बच्चों को क्या है उसका मतलब वही सुनाई देना चाहिए जो एक बच्चे को सुनाई दे रहा है। ये नहीं कि आप सामने वाले बैठे बच्चे को तो कुछ और ही मतलब पता चल रहा है उसका कि आपने क्या पूछा है, बाकी के पीछे वाले बच्चों को या साइड वाले बच्चों को 10 बच्चों को कुछ और ही पता चल रहा है कि मैम ने तो ये पूछा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपके पूछने में कमी रही होगी। होता है ना कि एक चीज़ के डबल मीनिंग होते हैं या एक चीज़ का बातों का तरीका अलग होता है, तो एक चीज़ को हम 2 तरीके से कह सकते हैं, 3 तरीके से कह सकते हैं। तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सभी बच्चे जब उसका अर्थ ग्रहण करें यानी कि उसका मीनिंग ले तो उसको उसी वे में ले जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है। अगर आपने पूछा है कि कुतुब मीनार कहाँ है तो सभी बच्चों को यही पता चलना चाहिए कि मैम ने पूछा है कि कुतुब मीनार क्या कहाँ है, उसका आंसर यही देना है कि दिल्ली में, आगरा में, चंडीगढ़ में कहाँ है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि कुछ को मतलब तो सुनाई दिया कि कुतुब मीनार कहाँ है, इसका दिल्ली आगरा होगा, ठीक है, और कुछ को सुनाई दिया कि कुतुब मीनार क्या है तो उन्होंने बता दिया मैडम एक बिल्डिंग है, उसने बनाई थी, इसने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपकी क्वेश्चनिंग में या अचीवमेंट टेस्ट में या जो भी आप एग्जामिनेशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों को इवेल्युएट करने का, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का गुण होना चाहिए यानी कि क्वेश्चंस में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिसिटी यानी कि व्यवहारिकता। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करना है कि जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे, आप सारी चीज़ें कवर भी कर लो, ज़्यादा खर्च ना आए। अगर मान लीजिए कि आप एक बच्चे को एक मतलब एक क्लास में आप कोई क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो या इवेल्युएशन के लिए कुछ भी चीज़ सेट कर रहे हो, इंटरव्यू वगैरह, और उसके अंदर क्या है एक क्लास में ही इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए कि आप 2-3 घंटे लगा दो और ख़र्चा भी इतना ज़्यादा आ जाए कि हज़ारों में आ जाए, तो जब पूरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि स्कूल के अंदर 6 क्लास के इतने सारे सेशंस होते हैं, 7 क्लास के इतने सारे सेशन होते हैं, जब पूरे क्लास स्कूल को इवेल्युएशन किया जाएगा तो वो तो लाखों और करोड़ों का बजट बैठ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और टाइम भी इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आप तो 6 महीने इवेल्युएशन करने में ही निकाल दोगे एक टॉपिक को, राइट। तो इसीलिए आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस हिसाब से भी होना चाहिए कि ज़्यादा खर्च ना आए, मतलब ज़्यादा आपका उसमें व्यय ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, व्यवहारिकता, मतलब
नो टाइम कंज्यूमिंग और इसमें ज़्यादा मनी भी नहीं, ठीक है? ओके, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी उसके अंदर बेकार की आपको यूज़ नहीं करनी है। अब आता है नॉर्म्स यानी कि मानक। अब जब आप इवेल्युएट करते हो किसी भी बच्चे को तो उसकी कैटेगरीज डिवाइड करते हो ना। अभी स्कूल्स में क्या चल रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, आपको पता है ना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी, डी, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि जो बच्चे 33 से 50 वाली रेंज की है उनको आपने ग्रेड डी में रख दिया, जो बच्चे उसके बाद 60 से 70 वाली में उनको सी में रख दिया, फिर उसके बाद 70 से 80 वाले में उनको बी में रख दिया, और जो 90 से 100 वाली में उनको ए के अंदर रख दिया, ठीक है? ताकि बच्चे अपने आप में किसी भी तरह की भेदभाव या कंपटीशन ज़्यादा, या एक होता है ना ईर्ष्या भावना, जेलसिंग फीलिंग वाली जो चीज़ होती है वो चीज़ ना आए, ठीक है? ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है तो नॉर्म्स के अंदर यानी कि मानक के अंदर ये होता है कि आप बच्चों को ऐसे इवेल्युएट करें कि उसकी कैटेगरीज डिवाइड कर पाए, आप उनको ग्रेड्स दे सके, उनको एक कैटेगरी में रख पाए कि बच्चे इस कैटेगरी का है तो इसको इतनी मेहनत करवा के दूसरी कैटेगरी में लाना है, अगर कोई डी का है तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको सी कैटेगरी में लेके आना है, अगर कोई सी का है तो उसको बी में, और बी का है तो उसको ए में। और परसेंटेज वाइज भी होता था कि हमारे टाइम में क्या था कि परसेंटेज में होता था कि अगर मान लीजिए मेरे किसी सब्जेक्ट में 33% आ गए और मेरी फ्रेंड के किसी के 50% आ गए या 60 आ गए, तो मैं भी सोचती थी यार 33% तो बहुत कम है, बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुई हूँ, तो क्या है नेक्स्ट टाइम मेहनत करनी है तो मैं 70 और 70 अबव अचीव करने के लिए ट्राई करूँगी। तो जब तक आप बच्चों को एक कैटेगरी में नहीं रखोगे, कैटेगरी डिवाइडर नहीं करोगे बच्चे की, तो बच्चे क्या हैं, किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन तो कर लोगे लेकिन उसको प्रॉपर वे यानी कि पॉजिटिव वे में क्या है बच्चे नहीं ले पाएंगे। अगर बच्चों को पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ ये चीज़ की कमी है तो इसको और अच्छा करके इतना करना है, तो आप कैटेगरी में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब तक इवैल्यूएशन और ये सारे प्रोसेसेस चलते रहेंगे तो उससे क्या है बच्चे अपने आप को खुद मोटिवेटेड भी करते रहेंगे और बाकी चीज़ें जो कमी और ये सब चीज़ें हैं उनको भी रिमाइंडर प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है? तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन के 6 पॉइंट थे, और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वैलिडिटी यानी कि वैधता, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स प्री प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करे तो वो क्वेश्चन होता है, वैलिडिटी का गुण होता है उसमें। रिलायबल यानी कि विश्वसनीयता यानी कि नो डिफरेंस, आज आपने जो क्वेश्चन पूछा है 10 साल बाद भी अगर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें आपको सेम मार्क्स और सेम आंसर मिल रहा है तो मतलब उसके अंदर रिलायबिलिटी का होता है। और एक और चीज़ मैंने इसमें बताई थी कि ऑब्जेक्टिविटी, जो MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर रिलायबिलिटी का गुण ज़्यादा पाया जाता है, और जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता, ठीक है? उसके अंदर वैलिडिटी का गुण पाया जा सकता है क्योंकि अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है तो, ठीक है? फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समृद्ध, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग आपको इतनी रखनी है कि आप अपने पूरे टॉपिक को कवर कर पाए, प्रॉपर वे में बच्चे को इवेल्युएट कर पाए, ठीक है? उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठा, यानी कि आपके द्वारा क्वेश्चनिंग की गई है या कोई टेस्ट पेपर रेडी किया गया है तो उसके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चे उसका समान रूप से अर्थ ग्रहण करें, ये नहीं कि कोई बच्चा कुछ और समझ रहा है, कोई बच्चा कुछ और डबल मीनिंग लेकर जा रहा है, ठीक है? उसके बाद है प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता, यानी कि नो टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए और नो एक्स्ट्रा मनी आपको यूज़ करनी है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और सबसे ज़्यादा कि एक्स्ट्रा मनी उसमें ना लग रही हो। और नॉर्म्स की आपको लास्ट में क्या है, बच्चे को एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, चाहे तो वो आप ग्रेड वाइज कर सकते हो या परसेंटेज वाइज कर सकते हो, लेकिन आपको बच्चे को क्या है कैटेगरी में करना ही है क्योंकि उससे नेक्स्ट कैटेगरी पर जब आप बच्चे को लेकर जाओगे तो वह उसके इवैल्यूएशन में हेल्प करेगी, ठीक है? अब इसके बाद इवैल्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।